होली बेसिल लैब अत्याधुनिक एआई आधारित मेडिकल लैब अनुभव केंद्र स्वस्थ साथी का उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मरीजों की देखभाल में क्रांति लाई गई है और डॉक्टरों के नतीजों को बढ़ाती है। इस उद्घाटनी समारोह में माहिर डॉक्टर्स, प्रसिद्ध उद्योगपति व कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। स्वस्थ साथी के पास विश्व स्तरीय डॉक्टरों और डाटा माहिरों की एक टीम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा विश्लेषण में नवीनतम तरक्की से लाभ उठाने के लिए सहयोग से काम कर रही है। इस मौके पर होली बेसिल लैब के डायरेक्टर डॉक्टर सचिन वर्मा ने कहा कि उनकी एआई आधारित मेडिकल लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित होगी। उनके उच्च कौशल के डॉक्टरी पेशावरों की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ महारत को जोड़कर वे अंत में मरीजों के नतीजों में सुधार करेंगे और स्वास्थ्य संभाल को प्रदान करने के तरीकों को बदलेंगे। इस मौके पर डॉक्टर गीतांजलि गौरव ने भी अपने विचार पेश किए। इस अवसर पर अन्य लोग भी मौजूद रहे। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग जी, पहला मैं थोड़ा सारा ना वेलकम करदा मीडिया दे दोस्त सारे डॉक्टर सारे गेस्ट जड़े इकट्ठे हुए हैं अज इनॉग्रेशन सब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद तुसी टाइम कढ़िया। सो वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि इस रीजन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और हेल्थ केयर नाल ज्वाइन करके एक नैक्सट जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट लैब का इनॉग्रेशन होया और ये लैब जी है जिस तरह बाकी कई देशों और कई दुनिया एडवांस लैब्स एक एक्सपीरियंस सेंटर बन जाती है। ये लैब ना सिर्फ एक लैब है पर इकोसिस्टम का हिस्सा बन के एक एक्सपीरियंस सेंटर है और इसका सब तो वाइया फायदा यह है कि जो इतने के रीजन के लोग हैं उन्होंने वास्ते यू विल गैट परसनलाइज केयर, परसनलाइज इंडिविजुअल केयर विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द यूनियन ऑफ एआई एंड हेल्थ केयर। नंबर वन। नंबर टू, दिस टेक्नोलॉजी कैन प्रिडिक्ट योर हेल्थ जर्नीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हरेक इंडिविजुअल की हेल्थ जर्नी पैरामीटर्स देख के प्रिडिक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने सू गाइड किया, इनवाइट किया, असी 3 साल तो इस पर काम कर रहे थे। अज वी वेरी हैप्पी कि असी उस सिस्टम मच्योर करके अज तुहाडे सामने लैके आए। तो साड़ी जी लैब है वो 24/7 फुली फंक्शनल फुली ऑटोमेटेड लैब है। तो ये इंश्योर करने लिए तो इंश्योर करने लिए कि जो असी रिजल्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही ने, तो पेशेंट नीड के अकॉर्डिंग ने, तो असी क्वालिटी कंट्रोल्स रन करते हैं। साड़ी जी मशीनरी है फुली फुली स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो ऑटोमेटेड है। एक यूनियन है जो लैब सर्विसिज का मेडिसिन एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाल है। आपके पास अपने OTPs हैं, ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी और मैम 40 से हैं, X40 हैं, तो लैब की क्वालिटी कंट्रोल बेस्ट है। ऐसा कलेक्शन सेंटर हमने कोशिश की कि MBS प्रोवाइड की जाए, सो मुझे नहीं लग रहा किसी और का इस तरह का कलेक्शन सेंटर या फिर AI बेस्ड कलेक्शन सेंटर है। तो ये हमारी ऑफरिंग है जिससे हमें लगता है कि सब लोगों को फायदा। जी ये डेमो देखे आज टोटली फ्री है, जो पेशेंट्स हैं या हेल्दी लोग भी आके टेस्ट फ्री ले सकते हैं, इधर कोई चार्जेस नहीं। पिछले काफी समय से कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंगला विजिलेंस के केसों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते गत दिवस उनके पटियाला स्थित घर में विजिलेंस की टीम की ओर से घर की एक हर एक चीज की जांच की गई, जिसके बाद अब उनके संगरूर स्थित घर के सामने की रोड और हर जगह की जांच की जा रही है कि किस चीज पर कितना पैसा लगा है। इस दौरान जांच करने वाली मशीनों के साथ विजिलेंस के अधिकारी उनके घर में दाखिल हो गए। विजिलेंस विभाग के DSP परमिंदर सिंह की अगुवाई में टेक्निकल टीम घर की जांच कर रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में मां भगवती का भव्य जागरण करवाया गया। जागरण में आई हुई पार्टियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। जागरण में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर मां के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी सदस्यों द्वारा श्री विज को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विजय खुल्लर, संदीप शुक्ला, बांकेलाल पुरी, पंडित सोमनाथ पाठक सहित असंख्य मां भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ¡Gracias!
कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा में भक्तों ने दुख निवारण मां चंडी का हवन यज्ञ किया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों से हवन कुंड में आहुतियां डलवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने से विद्वान, गुणवान और अच्छे गुणों के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास हो जाता है, उसके पास के सभी दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वह सद्गुणों को अपनाता है। इस मौके पर संजीव कुमार, रोहित, संजय देसराज, रणबीर राणा, अजय, अतुल, प्रीति, कोमल सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बोले भद्रकाली माता की जय। दुख निवारण चंडी महायज्ञ कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा में जो लगभग 2.5 वर्षों से निरंतर महारानी के आशीर्वाद से उसकी प्रेरणा से किया जाता है, जिसमें बहुत सारे भक्तजन पंजाब के बाहर स्टेटों से भी आकर के महारानी का आशीर्वाद कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हर तरह का प्रयोग उपाय शनिवार वाले दिन यहाँ पर हमेशा हर कार्य निःशुल्क कराया जाता है और जन कल्याण की भावना से कराया जाता है। इसी कड़ी पर आज बहुत सारे भक्त सज्जन मौजूद हैं और मुख्य यजमान जो है हमारे क्षेत्र के बहुत ही एक महान शख्सियत, हमारे बहुत ही खास सूरज लोहरिया जी, उनके साथ में सज्जन मित्र साथ में आए हैं महारानी का आशीर्वाद लेने के लिए। भगवती से प्रार्थना करता हूँ महारानी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी दर्शकों पर भी महारानी का आशीर्वाद प्रदान हो। जय माता। जय माता वेलफेयर सोसाइटी किशनपुरा द्वारा निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हेनरी ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का आयोजन पवन सूरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पवन सूरी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि मेरा संपूर्ण जीवन समाज की सेवा के लिए तत्पर है एवं महिलाओं की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी और राष्ट्र का विकास हो, समाज का भला हो, इस कामना से मैं राष्ट्र हेतु कार्य करती रहूंगी। पवन सूरी ने कहा कि सोसाइटी के सभी सदस्य निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो वही मुख्य अतिथि अवतार हेनरी ने समाज सेवा के कार्यों में पिछले कई वर्षों से लगी पवन सूरी द्वारा किए गए समाज हेतु एवं राष्ट्र हेतु कार्यों की सराहना की। उन्होंने परमात्मा के चरणों में अरदास की कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी लंबी आयु हो और इसी तरह समाज एवं राष्ट्र की सेवा में लगी रहें। इस दौरान अवतार हेनरी ने संबोधित करते हुए कहा कि सेवा की करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। सेवा करना एक कठिन कार्य है, लेकिन सूरी परिवार पिछले काफी वर्षों से समाज की सेवा में लगा हुआ है और सूरी परिवार के किए गए समाज के कार्य सराहनीय हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से किशनलाल शर्मा एवं प्रशांत गंभीर भी उपस्थित रहे। वहीं किशनलाल शर्मा ने कहा कि आज के समय में जहां पर हर आदमी अपने कार्य में व्यस्त है, सूरी परिवार द्वारा समाज सेवा का कार्य करना एक प्रशंसनीय कार्य है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अवतार हेनरी, पवन सूरी, किशनलाल शर्मा की ओर से जरूरतमंद महिलाओं को सूट एवं बेडशीट भी वितरित किए गए। इस मौके पर जय माता वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी संजीव कुक्कन, साहिब सिंह, भगवान दास शर्मा, अनिल ढल, विक्की कौशल, हरविंदर सिंह नीटू, बद्रीनाथ गुप्ता, मिंटू गोगा लाहौरिया, सूरज लाहौरिया, अश्विनी पलटा, ब्रिज पलटा, राजकुमार शर्मा, सोनू सैनी, सनी, धर्मपाल, अंजू, इंदु, उर्मिला, रेखा, आशा, कृष्णा, सारिका, वीना, भोली, हीरा सिंह, अश्विनी, राजू, डॉक्टर कल्याण, विजय कुमार व अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जो मेरा साथ था, मैं तय दिली अपने पैरों की लिनी हो गई आज। भाई साहब जनानियां जड़िया बहुत तादाद उत्ते आईया सन, सिद्धू जी भी इस शैली की प्रशंसा करते हैं। मैं भैनों की सेवा के 20 साल तो हमेशा तत्पर रहनी हूँ, चाहे वो इलाके का गंदा पानी सी
बेनती की सी कि बाबा जी महल्ले का गंदा पानी किसी तरीके पड़वाना है। साढ़े बाबा जी ने भी मेहनत करने कोई कसर नहीं छी, ये सेवा कर दी है और मेरा वादा है कि जिन्ना चिर मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारी सेवा करती रहा। सो मैं बहुत ज्यादा नहीं टाइम लेना, मैं एक गल जानती हाँ कि कहते ने आसीस हमेशा नाल चलती है ते बसीस कभी पिछा नहीं छड़ती। मैं हमेशा अपन भैन की ब्लैसिंग लैन की कोशिश करते हैं। जड़िया सामने बैठिया जेरा की सेवा साड़ी भैन किसे सूरी करती है, ये समाज की सेवा है। असि क्रिटिकल लोग असी कोई सेवा नहीं करते, असी अपनी सेवा करते हैं। असि यह देखते हैं भी ये देश पैदा की होएगा समाज की सेवा करनी बहुत सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सांवरिया चंद्र, कन्हैया डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, एक दिन के पीछे एक रात बांधी।
जालंधर के एक निजी होटल में सुखजीत सिंह चीमा द्वारा लिखित पुस्तक सफलता के अद्भुत नियम भाग एक के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकार डॉक्टर लखविंदर सिंह जौहल विशिष्ट अतिथि थी। इस दौरान सुखजीत सिंह चीमा, उनकी पत्नी अमनदीप कौर चीमा और गुरप्रीत सिंह ने प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत किया। पुस्तक विमोचन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मॉडरेटर मोनिका मेहता ने सुखजीत सिंह चीमा द्वारा लिखी पुस्तक की झलकियों और डॉक्टर बेदी और डॉक्टर जोहल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पुस्तक के बारे में बात करते हुए डॉक्टर बेदी ने कहा कि ये पुस्तक उन्हें रीडर्स डाइजेस्ट और प्रीत लड़ी जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं की याद दिलाती है। समापन भाषण में सरदार सुखजीत सिंह चीमा ने ये पुस्तक अपने दादा दादी, माता पिता और गुरु को समर्पित की। इस दौरान उन्होंने अपने सफल उद्योगपति बनने की यात्रा साझा की। उन्होंने कहा कि ये किताब सफलता के रहस्यों को समेटती है। समारोह के अंत में सुखजीत सिंह चीमा द्वारा लिखित पुस्तक सफलता के अद्भुत नियम भाग एक का वितरण किया गया। इस मौके पर ऋतुराज चीमा, प्रथम चीमा, निर्मलजीत सिंह बराड़, अमृतपाल सिंह लूथर, डॉक्टर गुरजीत कौर, हरपाल सिंह कलेर, प्रतीक गुलाटी, हरमिंदर सिंह सोडी, जसदीप सिंह बावा, प्रदीप बेदी और हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। सोच के नहीं लिखी एक्चुअली, जो मेरे जिंदगी के हुण तक दे तजर्बे जिन्हां तों, क्योंकि जो कोई इंसान जिंदगी चलता तो हर कुछ देर चलन बाद चौराहा आता है कि उन्हें पता नहीं लगता मैं राइट जाना, लैफ्ट जाना, सीधा जाना। तो वो जिन्हें धक्के खा के असी किसी ना किसी राह तो कहीं तो गलत मोड़ मुड़ के कि गलत जगह पर जाके फिर असी राइट डायरेक्शन पर पहुँचे, तो कोशिश की है कि वो जोड़े साइनेज है वो कितना पहचानने हैं कि जिंदगी का थोड़ा सही रास्ता हूँ किधर जा रहा है। तो वो मैं तजर्बे तो हुए हुए थे, सिर्फ उन्होंने लिखा है ताकि अगे आने वाली नौजवान पीढ़ी, ना कि सिर्फ नौजवान, मैं ये भी महसूस किया कि वड्डी उम्र के भी असी अपने बच्चों ना विचरते, अपनी फैमिली ना विचरते, असी बहुत सारिया गलतियां मैं कहूँगा असी कर जाने कई बार। तो वो जो मैं तजर्बा किया कि जे आप थोड़ा जहा बस जिमें कह लो कि लाइट येलो तो नहीं चलना, जो ग्रीन हो जाए उदो चलना, नहीं तो उदो भी एक्सीडेंट होने के कई चांस होंगे है। तो इदा छोटिया छोटिया गलों के जो हुण तक दी जिंदगी दे तजर्बे च मैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर तिहात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नूर महल में हुई डकैती के मामले को सुलझाया, 8 आरोपियों को किया काबू। जालंधर के शाहकोट क्षेत्र में आबकारी विभाग ने शराब के ठेके पर की रेड, कई लीटर देसी शराब की बरामद। थाना कत्थू नंगल की पुलिस ने नाबालिग लड़की को अगवा करने वाले आरोपी को किया काबू, लड़की को किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।